बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आज हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं वो है दाल चावल। पंजाब की फेवरेट डिश दाल चावल बनाना बहुत ही आसान है, और देखते हैं कि हमें दाल चावल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, प्याज 1 अदद कटा हुआ, टमाटर 1 अदद कटा हुआ, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, 1/2 कप ऑयल हमने कुकर में डाल लिया है, प्याज शामिल करेंगे, प्याज को थोड़ा लाइट ब्राउन होने देंगे, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। साबुत गरम मसाला डालेंगे, अभी स्पाइसेस डाल देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ग्रेवी हमारी तैयार है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे, चने की दाल हमने 350 ग्राम ली थी, तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था हमने। दाल को अच्छी तरह मसाले में फ्राई करेंगे, दो कप पानी डालेंगे, और तकरीबन 10 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देंगे। साथ ही हमने दूसरे बर्तन में चावल बॉयल करने के लिए पानी डाल दिया है, दस मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर को खोलते हैं, चने की दाल गल चुकी है, और थोड़ी देर के लिए हम इसको पानी को खुश्क करेंगे। चावलों के लिए जो पानी रखा था उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे, साल्ट 1 टेबलस्पून और 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। दाल हमारी तैयार हो गई है, अब इसमें कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया डाल देंगे। चावलों के लिए जो पानी रखा था उसमें उबाल आ गया है, अब हम चावल शामिल करेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने चावल भिगो के रखे थे,
व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चावल हमारे गल चुके हैं, अब हम इनको ड्रेन करेंगे और सर्व करेंगे। व्यूअर्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में।